आज परमेश्वर के संगति में एक और बार मिलने के लिए परमेश्वर अच्छा सा समय, एक नया जीवन और एक नया परिवर्तन के साथ परमेश्वर हमें चलवाने के लिए शक्ति सामर्थ्य दिए, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य और परमेश्वर की वचन हमें आगे चलने की और जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए, आत्मिक तल पर वृद्धि पाने के लिए परमेश्वर सहायता दिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करेंगे यिर्मयाह के किताब 15वां अध्याय, उसका 16वां वचन, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16। यिर्मयाह के किताब 15 अध्याय उसका 16वां वचन। आज का परमेश्वर के वचन का सब्जेक्ट जो बोलना चाहता हूँ वो है एटीट्यूड ऑफ ओबीडियंस, नहीं तो परमेश्वर के हमारा जीवन की अनुभव परमेश्वर की बातों को ओबे करना, मानने की अनुभव होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया यिर्मयाह की किताब 15वां अध्याय 16वां वचन में देख सकते हैं, ये 15 अध्याय जो है यिर्मयाह अपने जीवन के अनुभव में बताने वाली कितने कितने चीज़ों के बारे में, नहीं तो यिर्मयाह अपने जीवन में अपने लोगों के अंदर से सताव अनुभव करते वक्त, नहीं तो अपने लोगों के अपने इसराइलियों के बीच से ही वो सताव अनुभव करना शुरू किया, नहीं तो परमेश्वर से अलग हुए लोग, नहीं तो परमेश्वर के साथ रिश्ता काट कर परमेश्वर से दूर हुए लोगों से सताव अनुभव करते वक्त यिर्मयाह परमेश्वर से बात करने वाली अनुभव में ये 15 अध्याय लिखा गया है। इसीलिए सताव हमारे जीवन में है, परमेश्वर के संतान होने के द्वारा हमारे लोगों के बीच में हमको सताव मिलती है, बाहरी लोगों से हमें सताव मिलती है, और जिस देश में हम रहते हैं उस देश की सताव भी हमारे जीवन में, सो सताव एक आत्मिक जीवन के जीवन में आने वाली एक चीज़ है। तो सताव के समय में हमारा भरोसा, हमारा आश्रय परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। तो इस अध्याय में 15 अध्याय में सताव बहुत घिनौनी तरीके से यिर्मयाह के जीवन में आते वक्त, नहीं तो सताव इतनी इतनी माने अपने लोग अगर सताव ज़्यादा देने लगते हैं तो हमको सहना बहुत मुश्किल पड़ती है। तो वैसे परिस्थिति में यिर्मयाह परमेश्वर से बात करने लग रहा है, परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन उसको क्या करता है, उसे सताव के परिस्थिति में उसको आरोग्य बल और परमेश्वर के साथ खड़े होने के लिए, नहीं तो सताव देने वाले लोगों के सामने अपने धैर्य को प्रकट करने के लिए, नहीं तो परमेश्वर के साथ वाले रिश्ते में आगे चलने के लिए प्रोत्साहन देने वाली अनुभव को हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसके लिए उसकी 15वां अध्याय 16वां वचन में लिखा गया, तुम्हारी वचन मुझे क्या किया गया है, मुझे मिला है ताकि मैं उस वचन को क्या कर सकूं, खा सकूं। हेलो, जब सताव जाने ज्यादा हो जाता है तब हमें खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि अपने लोग जब हमें ज्यादा सताने लगते हैं खाना खाने की मन ही नहीं करेगा, प्रार्थना करने का मन ही नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, कलीसिया जाने का मन ही नहीं करेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपने रिश्तेदार, अपने खून के भाईचारे लोग हमारे हमारे विरुद्ध में होकर सताव देते वक्त हमें एक ही चीज मालूम करना चाहिए, हमारे सताव के बीच में भी बात करने वाले परमेश्वर है हमारे परमेश्वर, हमारे सताव के समय में भी परमेश्वर हमें क्या कर सकती है, शक्ति और सामर्थ्य दे सकती है। इसलिए यिर्मयाह कहता है मैं तेरी वचनों के ऊपर आधारित बनकर मैं खाना शुरू कर रहा हूं। इसलिए जो परमेश्वर की वचन है वो मुझे क्या कर सकती है, मेरी बलहीनता वाली परिस्थिति को बलपूर्ण करने के लिए सहायकमंद होती है, नहीं तो मेरी सताव वाली परिस्थिति में मुझे क्या करना, आगे कामयाबी दिलवाने के लिए, नहीं तो आगे जीवन के अनुभवों को महसूस करके आगे की आगे की ओर पांव रखने के लिए मुझे सहायक मन परमेश्वर की वचन ही है। इसलिए सताव के दौरान यिर्मयाह बोल रहा, मैं तेरी वचनों को मैं क्या करना शुरू कर, खाने की कोशिश करूंगा। खाना मतलब क्या, ध्यान करके, नहीं तो अध्याय करके, नहीं तो पढ़ के समझ के उसको मैं क्या करने शुरू करूंगा, उसके ऊपर मैं प्रचोदन पाने की एक अनुभव। इसलिए यिर्मयाह यहाँ पे बताने वाली अनुभव, मैं तेरी वचनों को पाया है, आई फाउंड आउट योर वर्ड, मैंने तेरी वचनों को मैंने पाया। कब? जब हमारे जीवन में परिस्थिति सब बदली बदली थी तब हमें परमेश्वर की वचन मिली, हमारे जीवन का जब पाप की दलदल में फंसा हुआ था, नहीं तो कोई भी हमें उधारी देने
के लिए है ही नहीं थी। ये तो हमारे जीवन में इतनी तकलीफों के बीच में हम जब थे तब परमेश्वर का वचन हमें ढूंढ कर आया। परमेश्वर के वचन हमें ढूंढ के आने पर हमने क्या किया, परमेश्वर को वचन को विश्वास करके हमने परमेश्वर के वचन को थोड़े से थोड़ा थोड़ा से थोड़ा थोड़ा से थोड़ा खाने की शुरुआत की। इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी होने के लिए और समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए, नहीं तो सताव के बीच में भी परमेश्वर को ना छोड़ने के लिए, नहीं तो सताव के दौरान भी परमेश्वर के विरुद्ध ना बोलकर, सताव के समय में भी अपने आत्मिक जीवन को बनाने के लिए, नहीं तो अपने जीवन को ऊंचा करने के लिए, नहीं तो अपना पदवी, अपने श्रेष्ठता, परमेश्वर दिया गया श्रेष्ठताओं को अपने आप हासिल करने के लिए यिर्मयाह क्या कर रहा है, प्रस्तुत बन रहा है। इसीलिए सताव के दौरान हमें क्या करना है, प्रचोदन परमेश्वर के वचन से मिलना चाहिए, परमेश्वर की ओर से हमें शक्ति सामर्थ मिलनी चाहिए। इसीलिए दाऊद अपने जीवन में बहुत सारे सतावों के बीच में जाते वक्त भी परमेश्वर के ऊपर वाली आश्रय को उसने कभी छोड़ा नहीं, परमेश्वर को गाना गाकर महिमा करना वो कभी छोड़ा नहीं, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना वो कभी भी छोड़ा नहीं, प्रार्थना करना वो कभी भी छोड़ा नहीं, नहीं तो आत्मिक रीति से प्रचोदन पाना परमेश्वर से वो कभी भी छोड़ा नहीं। क्यों? उसको मालूम है समस्या आ जा सकती है, सताव आ जा सकती है, कल निकल जा सकती है, मगर जो आत्मिक चीजें हमने लाभ किया है वो हर दिन के लिए हमारे लिए उपलब्ध वाली एक चीज है। सताव एक दो दिन के लिए रहेगा, एक दो साल के लिए रहेगा, नहीं तो ये जितने दिन हम जीवित हैं उतना दिन तो इस सताव आएगा, उससे ज्यादा सताव नहीं आ सकती, मगर उससे भी ज्यादा एक चीज है परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता। परमेश्वर के वचन हमें क्या कर सकता है, सताव में से रास्ता निकलवाना ही नहीं, हमें आत्मिक जीवन में और भी प्रचोदन देने के लिए सहायक मंद है। इसीलिए यहां पे यिर्मयाह बोलते हैं, मैं अपने हृदय में मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की नाम की स्तुति करूंगा, नहीं तो सैन्याधिपति परमेश्वर की मैं धन्यवाद करूंगा। हेलो, कब? सताव के दौरान। जब सताव के दौरान अगर परमेश्वर के वचन हमें प्रचोदन देती है तो हमारे मुंह में परमेश्वर का नाम रहता है। सताव जब लोगों के जीवन में आता है, बहुत सारे कम लोग रहते हैं जो अपने मुंह में परमेश्वर के नाम लेते हैं। इसलिए वहां पे बताया गया है कौन, सैन्याधि परमेश्वर, सैन्य के अधिपति वाले परमेश्वर, द लॉर्ड ऑफ होस्ट। हेलो, सताव जब हमारे विरुद्ध आते हैं, हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए परमेश्वर खड़े होते हैं। वो यिर्मयाह महसूस किया, अपने भाई लोग, नहीं तो अपने रिश्तेदार लोग, नहीं तो अपने कुल के लोग, अपने पारिवारिक जीवन के श्रेष्ठता में जीवन यापन करने वाले लोग उसके विरुद्ध में सताव के साथ आते वक्त, नहीं तो इसको बहुत समस्याओं में डलवाते वक्त यिर्मयाह परमेश्वर के ऊपर आश्रय होकर अपना जो हिस्सा है परमेश्वर पर देखकर बोला, परमेश्वर तुम इसके ऊपर युद्ध करो, तुम इस चीज के ऊपर विजयवंत बनो, मैं इसमें इस युद्ध में मैं विजयवंत नहीं बन सकता, मेरी शक्ति सामर्थ्य कुछ काम नहीं कर सकती है, आप ही हो परमेश्वर, सैनिक के अधिकारी आप ही हो, आपके द्वारा ही ये युद्ध को मैं क्या कर सकता हूं, जीत सकता हूं। इसलिए एक चीज आज सुबह में मैं बोलना चाहता हूं, सब युद्ध जीतने के लिए परमेश्वर के हाथ में हमें देना चाहिए। परमेश्वर के वचन औजार है, परमेश्वर के वचन हमारे लिए आरोग्यदायक खाना है, परमेश्वर के वचन हमें शक्ति सामर्थ्य देने वाली अनुभव है। परमेश्वर ही हमारे सैनिक के अधिकारी है, वही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वही हमारा युद्ध को जितवा सकते हैं। इसलिए यिर्मयाह बोलने की मतलब, मैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर आधारित होकर मेरे हृदय में परमेश्वर को समर्पण करके मेरे मुंह से मैं परमेश्वर की धन्यवाद करके मैं इस जीत को जीतने के लिए दे दूंगा। आत्मिक जीवन में अगर जीतना है तो परमेश्वर के हाथ में देना जरूरी है, वही यिर्मयाह यहां पर करने वाली अनुभव। इसलिए हमारे जीवन में भी जीत हासिल होनी है, हमारा युद्ध परमेश्वर के हाथ में हमें सौंप देना चाहिए। इसलिए यिर्मयाह यहाँ बोलने वाली अनुभव में, जो इसराइली लोग उसके विरुद्ध में थे, नहीं तो उसको सता रहे थे, वो उनके विरुद्ध में खड़े होकर युद्ध करने की कोशिश करते वक्त यिर्मयाह परमेश्वर के ऊपर आश्रय होकर, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित पढ़कर, नहीं तो अपनी जीवन को परमेश्वर के नाम को महिमानित करके, हृदय में परमेश्वर को विश्वास करके युद्ध परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर ने उपयुक्त समय पर क्या कर दिया, जो उनके विरुद्ध खड़े थे उनके जीवन में परमेश्वर क्या किए, यिर्मयाह को बचाकर परमेश्वर के मकसद में खड़ा करने की एक अनुभव। इसलिए यिर्मयाह की जो एक पुस्तक है वो एक ऐसे भविष्यवक्ता हैं, उनका जीवन पूरा पूरा रो रो के उनका जीवन खत्म होने वाला एक अनुभव है। इसलिए बाइबल कहता है वो एक रोता हुआ एक भविष्यवक्ता। काहे के लिए रोना,
इसराइलियों के लिए रोना, नहीं तो नहीं परमेश्वर के द्वारा खरीदा गया, नहीं तो परमेश्वर के द्वारा उद्धारी किया गया, नहीं तो परमेश्वर के द्वारा आशीष किया गया, झुंड क्या किया, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वरों को, दूसरे परमेश्वरों को आश्रयवान होकर, परमेश्वर से रिश्ता काट कर जीवन यापन करके परमेश्वर के विरुद्ध ही खड़े होते वक्त, तब एक आत्मिक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक ही चीज रो ही सकता है। ये यीशु मसीह भी हमें सिखाया है, हम लोग का शत्रु कोई नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने शत्रुओं के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं को क्या करो, प्रेम दिखाओ, हमदर्दी दिखाओ, अपने शत्रुओं के लिए कुछ फायदा करो। क्यों, हमारा शत्रु कौन है, शैतान है, मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, नहीं तो परमेश्वर के विरुद्ध होने वाले लोग हमारे शत्रु नहीं है, वो मेंटालिटी नहीं है। हमें उनके बदले में हमको क्या करना चाहिए, यिर्मयाह के समान आंसू के द्वारा परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के ऊपर आधारित होना चाहिए, परमेश्वर के सामने हमारा युद्ध को पेश करना चाहिए। अगर सैन्याधिपति परमेश्वर अगर उतर आएंगे, जैसा भी युद्ध को परमेश्वर क्या कर सकते हैं, हमें जितवा सकते हैं। इसीलिए दाऊद अपने जीवन में गोलियत के सामने खड़े होते वक्त उसको एक दाऊद को एक चीज है, गोलियत हो सकता है 12 फुट हो सकता है, 14 फुट हो सकता है, कितना भी बड़ा आदमी हो सकता है, कितना खाना वाला व्यक्ति भी हो सकता है, कितना आरोग्यवान भी हो सकता है, मगर मैं एक चीज आता हूं, मैं जिस परमेश्वर के साथ आधारित हूं वो सैनिक की अधिपति वाले परमेश्वर है, उनका शक्ति सामर्थ्य इतना श्रेष्ठ है कि उसके सामने कोई भी खड़े नहीं हो सकता। इसीलिए दाऊद क्या किया, तुरंत गोलियत के सामने खड़े होकर एक ही चीज उसने बोला, मेरे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने वाले तुम कौन हो, तुम्हारा अधिकार क्या है सैन्याधिपति सर में परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के लिए। इसलिए देखो दाऊद अपना जीवन का भरोसा परमेश्वर के ऊपर आधारित था। देखो उस इसराइलियों के झुंड में सब कोई छुपे हुए परिस्थिति में, डरे हुए परिस्थिति में, बहुत दिन से गोलियत क्या कर रहा है, बुला रहा है, कोई तो आओ युद्ध करने के लिए, तुम्हारा परमेश्वर मर गया है क्या, तुम्हारा सैनिक अधिकारी मर गया क्या, कोई नहीं है क्या, बोलकर सताते वक्त एक लड़का 15 साल का लड़का, हेलो, परमेश्वर पे आश्रय किया हुआ ये छोटा बालक शक्ति और सामर्थ्य के साथ, उसको मालूम है मेरे विरुद्ध में जो कोई खड़े होने से युद्ध करने के लिए मेरे पास, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, वो है हमारा आश्रय, वो है हमारा आश्रय, वो रहना है हमारा एटीट्यूड। इसलिए यिर्मयाह क्या कर रहा है, यो सताव के दौरान परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर सैन्याधिपति परमेश्वर के हाथ में युद्ध समर्पण कर रहा है। परमेश्वर ही युद्ध को क्या कर सकते हैं, जितवा सकते हैं। हारना है तो हम अपने रीति से युद्ध करेंगे तो हम हारेंगे, अगर परमेश्वर के हाथ में देंगे। दाऊद परमेश्वर के हाथ में देने के द्वारा सैन्याधिपति परमेश्वर उतर आए। दाऊद के हाथ में बहुत कुछ औजार नहीं था, एक छोटा सा पत्थर और एक स्लिंग, बस यही दो ही चीज उसके हाथ में था, मगर एक चीज उसको मालूम था, ये दोनों चीजों के ऊपर व्यापारित एक अभिषेक का शक्ति है, नहीं तो ये दोनों चीजों के ऊपर आश्रयवानित होकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनकर, नहीं तो परमेश्वर के ऊपर जो युद्ध को समर्पण कर दिया है उसको, या दाऊद को मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे हारने नहीं देगा। इसीलिए क्या हुआ, दाऊद की एक छोटी सी पत्थर क्या कर दिया, 12 फुट वाला गोलियत को नीचे गिरवा सका, वो है युद्ध को जीतने का मकसद। इसलिए बाइबल कहता है कितने, एक सरसों दाने के जैसे विश्वास हो तो पहाड़ों को हिलवा सकते हो। हेलो, सरसों दाने की विश्वास पहाड़ों को हिलवा सकती है, एक छोटा सा पत्थर जितना बड़ा सैन्य को भी, जितना बड़ा शत्रु को भी गिरा सकता है। क्यों, हमारा आश्रय सैन्य के अधिपति परमेश्वर के ऊपर है, उसके वचनों के ऊपर से हमें शक्ति मिलती है। इसलिए दाऊद को बोलने के लिए एक चीज है, वो जब वो अपने जीवन में भेड़ बकरियों को चराता था तो उसके साथ कोई रहता नहीं था, वो एक ही चीज करता, 2400 घंटा परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की धन्यवाद करना, परमेश्वर की सानिध्यता को अनुभव करना, परमेश्वर को वचनों को क्या करना, दोबारा 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 बोल बोल कर परमेश्वर की महिमा करने वाले अनुभवों में क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, सिंह वो दौड़ आया, एक बार क्या हुआ, भालू दौड़ आया, तो इसने क्या किया, परमेश्वर के अभिषेक में भरपूरी होकर उसको एक चीज मालूम है, मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरा सैनिक अधिकारी है, जो कौन सा सिंह भी मेरे सामने आने से परमेश्वर की सानिध्य क्या करता, सिंह को फाड़ फेंक सकता है। इसलिए दाऊद ने क्या कहा,
मेरे साथ सैनिक के अधिपति वाले परमेश्वर है, इसीलिए मैं डरूंगा नहीं, कोई शत्रु शैतान मेरी विरुद्ध नहीं आ सकता। इसीलिए यिर्मयाह से हमें सीखने वाली अनुभव, युद्ध जीतना है प्रार्थना, रोने वाली एक अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। युद्ध जीतना है परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान हो एक जीवन हमारा जीवन में जरूरत है। युद्ध जीतना है हमारे मुंह में परमेश्वर की नाम रहनी चाहिए। युद्ध जीतना है तो परमेश्वर की महिमा हृदय के अंदर होनी चाहिए। युद्ध जीतना है हमारा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, वो सैनिक अधिकारी परमेश्वर उतरे तो शत्रु शैतान सब कुछ कर, क्या हो सके इधर उधर भाग जा सकते हैं। इसीलिए क्या भजन संहिता कहती है, दुष्ट लोग मेरे विरुद्ध में जितना आने से भी सैनिक की अधिपति वाले परमेश्वर अगर उतर गए, दुष्ट को परमेश्वर क्या करेंगे, इधर उधर भगा देंगे। He will scatter the enemies. हेलो, आज क्या हुआ, आजकल के जमाने में आत्मिक लोग अपने आप युद्ध करना शुरू कर रहे हैं। रोना नहीं, एक रोने वाली अनुभव नहीं, प्रार्थना में रोने वाली अनुभव नहीं, विलाप करने वाली अनुभव नहीं, परमेश्वर के ऊपर आधारित होने अनुभव नहीं, परमेश्वर के वचनों को खाने वाली अनुभव नहीं, परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने वाले अनुभव नहीं, परमेश्वर के ऊपर आश्रय मानने का अनुभव नहीं, अपने हिसाब से युद्ध करना शुरू कर रहे हैं, चप्पर फाड़ के क्या कर रहे हैं, जीवन को विनष्ट कर रहे हैं। इसलिए आज सुबह के समय यिर्मयाह जैसे बता रहा है, हमारा युद्ध जीतना है परमेश्वर के हाथ में हम औजार दे देंगे, अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे। अगर दाऊद जीत सका, यिर्मयाह जीत सका, मूसा जीत सका, एलिया जीत सका, एलिशा जीत सका, बहुत सारे भक्त जीत, हम भी जीत सकेंगे। इसलिए यहां बताया गया अनुभव, मैं तेरी वचनों को क्या करना शुरू करूंगा, खाना शुरू करूंगा, मैं तेरी वचनों को क्या करूंगा, आधारित होने का शुरुआत करूंगा। इसलिए भजन संहिता 119 का 18वां वचन, 119 का 18, साम्स 119 वर्स 18, 119 का 18, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हेलो 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 हेलो, कहाँ, जब परमेश्वर की वचन खाना शुरू करेंगे, जब पर युद्ध परमेश्वर के हाथ में हम देना शुरू करेंगे, नहीं तो हमारे जीवन की श्रेष्ठताओं में परमेश्वर के नाम को हमारे मुंह में बोलना शुरू करेंगे, तो क्या हो सकता है, कुछ देखने की चीज परमेश्वर हमें दिखा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मेरी आंखों को क्या कर दे, खोल दे, ताकि मैं क्या कर सकूं, तेरी व्यवस्था में जो श्रेष्ठता है वो मैं देख सकूं। सताव के दौरान यिर्मयाह क्या बोल रहा है, परमेश्वर मेरे युद्ध में जीत नहीं सकता, तुम ही हो तो मैं जीत सकता हूं। इसलिए उसने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान होकर व्यवस्था के ऊपर देखने की अनुभव। हेलो, हमारी आंखें खोलनी जरूरी है, क्यों, हमारी जो ये आंखें हैं बहुत कम नजरिया है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बहुत कम दूरी तक हम देख सकते हैं। अगर परमेश्वर के नजरिया से देखना शुरू करेंगे, एक तो सोच के देखो कितना दूर हम देख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर की आंखें कितनी श्रेष्ठ है, बाइबल कहती है, मैं समुंदर की गहराई में जाकर छुप बैठने से भी, आकाश के ऊपर जाकर घर बना के रहने से भी, पत्थरों के बीच में जाकर छुप जाने से भी, तेरी आंखों से मैं कभी भी छुप नहीं सकता। परमेश्वर की आंखों की वो दूरी थोड़ा एक बार देखो, परमेश्वर से हमें कभी भी दूर नहीं हो सकते। परमेश्वर की आंखें ऐसी इतनी तेजमय है कि हर कुछ चीज को क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से देख सकता है। इतना श्रेष्ठ परमेश्वर है, तो परमेश्वर की वचन कितना श्रेष्ठ है, एक बार सोच ले को। इसलिए हमारी इन आंखों से परमेश्वर की वचनों की व्यवस्था की वो क्या बोलते हैं, गहराई नहीं तो दूरी को हमें देखने की जरूरत है। परमेश्वर हमें उद्धारी क्यों दिए, खाली हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोल के जाने के लिए नहीं, क्या करने के लिए, हमारे युद्ध परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने के लिए, परमेश्वर के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए हमें रोने की एक अनुभव। तीसरी वाली अनुभव, हमारी नज़र जो कम नज़र है वो परमेश्वर के व्यवस्था के हिसाब से, वचनों के हिसाब से नज़र बढ़ना चाहिए। हेलो, इसीलिए क्या हुआ, एक बार परमेश्वर के दास के विरुद्ध शत्रु सैन्य खड़े होते वक्त परमेश्वर के दास कभी डरे नहीं, मगर उसके जो चेले थे वो डरना शुरुआत किए। तब तुरंत पास्टर जी ने क्या प्रार्थना करके बोले, परमेश्वर इसकी आंखें थोड़ा खोल के दिखाओ, ये इसकी आंखें अगर खोल दिया तो इन शत्रुओं के पीछे खड़ा हुआ एक सैन्य को परमेश्वर क्या कर सकता है, इसकी आंखों खोलने पर दिखा सकता है। इसीलिए आज सुबह के समय हमारे नजरिया, हमारे नजर को और ज्यादा अधिक करवाने के लिए परमेश्वर के
के वचन की शक्ति, व्यवस्था की शक्ति परमेश्वर हमको दिया गया है। इसीलिए पुरातन नियम के अनुभव में परमेश्वर हमें क्या किस चीज की मायने दिखाती है ना, यीशु मसीह की वो श्रेष्ठता को पुरातन नियम, पुराने नियम में परमेश्वर हमको दिखा रहे। पुराने नियम परमेश्वर हमको क्यों दिए जानते हो ना, ताकि नए नियम में हमारा नजरिया को बढ़वाने के लिए, नहीं तो हमारे नजर परमेश्वर की ओर आधारित होने के लिए, यीशु मसीह की श्रेष्ठता परखने के लिए, बतवाने के लिए ही नया पुराना नियम को परमेश्वर हमको दिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं पुरानी नियम की जरूरत है ही नहीं। अरे जब पुराने नियम है ही नहीं तो यीशु मसीह को कैसे देख सकते हो? यीशु मसीह को देखना है तो पुराने नियम ही जरूरत है। पुराने नियम में अगर देखेंगे, पुराने नियम में यीशु मसीह को दिखाने की कोशिश कैसे किया जाती है? पाप की श्रेष्ठता को दिखाकर, नहीं तो पाप की बड़प्पन को दिखाकर, पाप कितना बड़ा है दिखाकर यीशु मसीह को हमें दिखा रहे। क्यों? पाप जितना बड़ा होने से भी परवाह नहीं, यीशु मसीह की लहू क्या कर सकती है? जितना बड़ा पाप को भी क्या कर सकता, धुलाई दे सकता है, उधारी दे सकता है, रिहाई दे सकता है। वही है पुरातन नियम की श्रेष्ठता। पुरातन नियम में क्या किया जाता है? पाप के लिए, नहीं तो मनुष्य लोगों की जीवन में किया हुआ गंदी कामों के लिए क्या करना चाहिए था? बलि अर्पण देना चाहिए था। इसीलिए पुरातन नियम कहने वाले अनुभव बलि अर्पण कर करके थक गए। थकने पर यीशु मसीह की जन्म हुआ, ताकि एक बार के लिए पूरी तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म होने के द्वारा, यीशु मसीह से धरती पर आने के द्वारा क्या हुआ? एक नया नियम का प्रारंभ हुआ, एक नया अध्याय की शुरुआत हुआ। कि क्या पुरातन नियम की जो बड़ी सी भार है, जो पुरातन नियम में जो हमसे ना हो सकी, वो नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा किया गया। इसलिए हमें मालूम करने वाले अनुभव ये नए नियम और पुराने नियम देने की जरूरत क्या है, ताकि हमारे नजरिया, हमारा जो ये फिजिकल आइज परमेश्वर की व्यवस्था की गंभीरता को, नहीं तो बड़प्पन को देख सके। इसराइलियों को परमेश्वर क्यों मिस्र देश से परमेश्वर अलग करके लेके आए? क्योंकि वो लोग का सोच विचार क्या था जानते हो ना, मिस्र इजिप्ट जो है वो देश ही हमारा सर्कुलेशन है, वहीं पे हमको राशन मिलता है, वहीं पे हमें खाना मिलता है, वहीं पे हमको नौकरी मिलता है, वहीं पे हमें परमेश्वर को बुलाना, यही था उनका जो फोकस, उनका आई साइट इतना ही था। परमेश्वर उसको तोड़ दिए, परमेश्वर उसी को तोड़ दिए। तोड़ कर क्या किए जानते हैं ना, इसराइलियों को एक झुंड बनाकर परमेश्वर क्या किया, ऐगुप्तियों के बीच से परमेश्वर अलग करके कहां से लेके आए जानते हो ना, मरुभूमि से लेके आए। मरुभूमि में एक श्रेष्ठता क्या है जानते हो ना, दूर दूरांतर तक देख सकते हो। हेलो, मरुभूमि में दूर दूर तक देख सकते हो। तो मरुभूमि में एक चीज क्या जानते हो ना, कहां की पानी रहेगा मगर हमारे नजदीक जैसे दिखाई देगा मरुभूमि में। मरुभूमि में ही नहीं, मामूली जगहों में भी ऐसे ही दिखता है, दूर की चीजें बहुत करीब दिखाई दे। इसीलिए क्या किए परमेश्वर, उनकी नजर को परमेश्वर क्या कर दिए, व्यवस्था से खुलवाना शुरू की है। इसीलिए मूसा से व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्यों जानते हो ना, व्यवस्था ही हमें कुछ दिखाने की कोशिश दे। इसीलिए भजन संगीता कहती है, परमेश्वर मेरी आंखों को हो, परमेश्वर की व्यवस्था से मैं बहुत दूरी दूरी तक देखना चाहता हूं। इसीलिए पौलुस को दर्शन है, इसीलिए एशिया को दर्शन है, बाइबल के भक्त सब दर्शन प्राप्त लोग थे। व्यवस्था के माध्यम से उनका क्या नजरिया बढ़ गया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भजन संगीता कहता क्या है, मेरी आंखें खोल दो। हेलो, मेरी आंखें खोल दो, ताकि मैं क्या कर सकूं, परमेश्वर के व्यवस्था से अद्भुत चीजें देख सकूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों मेरे जीवन में चमत्कारी नहीं हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत नहीं कर रहे हैं, क्यों मेरा जीवन अद्भुत नहीं बन रहा है। अरे कारण क्या है? अरे व्यवस्था से देखने की शुरुआत है ही नहीं तो तेरी आंखें अभी तक खुली है ही नहीं। इसलिए बोले, इसलिए बर्थमय के समान यीशु मसीह के सामने आके बोलेंगे, यीशु मसीह मेरे आंखें थोड़ा खोल दो, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे को देखना चाहता हूँ, मैं लोगों को देखना चाहता हूँ, मैं व्यवस्था को देखना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह को देखना, मेरी आंखें थोड़ा खोल दे। आज हम भी बोलेंगे, परमेश्वर मेरी जो आंखें हैं, जो रोशनी है, बहुत कम दूरी तक देखने वाली अनुभव है, मगर मुझे इससे अधिक देखने वाली एक अनुभव परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा मुझे दिखवाओ। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने क्या किया, पहाड़ के ऊपर ले गया। क्यों जानते हो ना, उसका नजरिया दिखवाने के लिए, उसका नजर को और अधिक परमेश्वर क्या करने के लिए, खोलने के लिए। इसीलिए व्यवस्था उसको दिखाई दे पड़ी। हेलो, कब?
जब इसराइलियां सब नीचे पहाड़ के नीचे बैठकर वो लोग अपने अपने काम में व्यस्त जब थे, मूसा पहाड़ के ऊपर बैठकर अपने नजरिया को ज्यादा 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 परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की व्यवस्था में बढ़ोतरी पाने के लिए और खुल्लम खुल्ला परमेश्वर उसको दिखाना शुरू किए। इसीलिए परमेश्वर उससे क्या किए, 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर उससे बात किए। क्यों? उसका जो नजर था, उसकी जो आंखें की रोशनी थी, परमेश्वर उसको क्या किए, बड़ा किए। उधारी पाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो नजरिया है, विजन, विजिबिलिटी, वो अधिक होना चाहिए, वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से अधिक होना चाहिए। हेलो, इसलिए भजन संगीता जिसने लिखा है उसे क्या बोला, परमेश्वर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख सकूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण रीति से चीजों को मैं क्या कर सकूं, देख सकूं। इसीलिए कलीसिया प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में कलीसिया एक झुंड बनकर प्रार्थना और आराधना में शामिल होते वक्त उनके ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरी और क्या हुआ, पौलुस का जो आंखें थी वो और ज्यादा खुलना शुरुआत हो गया। पौलुस सोचा खाली 120 लोग, नहीं तो 12 चेले लोग, नहीं तो 150 विश्वासी लोग, नहीं तो कुछ छोटा झुंड ही हम लोग का प्रार्थना है और कोई है ही नहीं बोलकर सोचा होगा। मगर परमेश्वर क्या किए, आत्मा की शक्ति उतरवा कर उसकी नजरिया को परमेश्वर खुल्लम खुल्ला कर दिए। इसीलिए क्या किए जानते ना, ये लोग अन्य भाषा से परमेश्वर को आराधना करते वक्त बाहर लोग ज्यादा ज्यादा करके क्या करना कर हो गए, खड़े होना शुरू हो गए। तुरंत पत्रस क्या किए, आराधना में परमेश्वर चलवाने के बाद तुरंत खड़े होकर परमेश्वर की वचन घोषणा करना शुरू की। हेलो, नजरिया बदल गया, देखना शुरू किया, एक झुंड को देखा। आजकल की मीटिंग सब इनविटेशन देने से आएंगे, मगर प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में इनविटेशन कोई दिया ही नहीं, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, आत्मा की शक्ति उतरी, सब झुंड बनकर आ गए। क्या हुआ, बाकी 12 चेलों में से पतरस अकेला ही खड़ा होकर क्या करना शुरू किया, पुरातन नियम से कब निकाला, योवेल की पुस्तक से निकाला वचन पढ़ना शुरू। हालेलुया, पढ़ना शुरू किया, यीशु मसीह को दिखाना शुरू किया। हेलो, पुरातन नियम से यीशु मसीह को दिखाना शुरू करना चाहिए, नया नियम से हमें यीशु मसीह को दिखाना चाहिए। इसीलिए अगर हमारा नजरिया बदलना है, हमारा यीशु मसीह कौन है, सैन्याधिपति सर परमेश्वर है, इसीलिए हमारा विरुद्ध कोई है, कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्यों, परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए लोग जब हमें सताते हैं हम रिटर्न नहीं मारते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, एक गाल पर मारा तो दूसरा गाल दिखाओ, दूसरा गाल पर भी मारा तो क्या करो, अगर भाई है तो भाग जाओ, अगर भाई नहीं है उधर ही रुको। वो है यीशु मसीह का टीचिंग, अगर भाईवान हो भाग जाओ, अगर भयभीत नहीं हो उधर ही रुको, मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए परमेश्वर है। वो परमेश्वर सिखा रहे थे, तुम्हारे शत्रुओं को तुम प्रेम करो, उसका मतलब क्या है, वो तेरा शत्रु नहीं है, वो उसको तू क्या कर, प्रेम कर, प्रार्थना से लाभ कर, मैं उसके विरुद्ध में युद्ध करूंगा। इसलिए यीशु मसीह को क्रूसार्पण करते वक्त एक झुंड पूरा यीशु मसीह के विरुद्ध खड़े होकर बहुत घिनौनी की तरीके से यीशु मसीह को लज्जित करते वक्त भी परमेश्वर चुप बैठे। क्यों जानते हो ना, परमेश्वर को मालूम है मेरा युद्ध मैं ही क्या कर सकूंगा, जितवा सकता हूं, मैं ही वो युद्ध को क्या कर सकता हूं अच्छी तरीके से ले। इसीलिए यीशु मसीह भरोसे के साथ, माफी के हृदय के साथ लोगों को कुछ भी ना बोलकर चुपचाप परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान था। वही हमें भी करने की जरूरत है। इसीलिए वहां पे बताया गया, हाँ, अनुभव मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं क्या करूं, व्यवस्था के द्वारा क्या कर सकूं, बहुत सारी चमत्कारियों को देख सकूं। अभी योहन्ना के सुसमाचार 7 अध्याय 17 वचन, John chapter 7 verse 17, कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, हाँ, तो वह उस उद्देश्य के जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हेलो, जब हमारा नजरिया परमेश्वर के व्यवस्था के हिसाब से होता है, हमें क्या एक टीचिंग, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने वाली एक टीचिंग, नहीं तो परमेश्वर की मर्जी क्या है, नहीं तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो अपने मन मर्जी कर रहा हूँ या परमेश्वर की इच्छा से कर रहा हूँ, उसको परखने की एक आइडिया।
उसको मालूम करने वाली एक एक फिजिकलिटी, एक क्वालिटी, ये मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, ये मैं अपने मर्जी से मैं चलवा रहा हूँ, या परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर रहा हूँ, उसको जानने वाली एक अनुभव। इसलिए यूहन्ना 7:17 बताया है, अगर तुम परमेश्वर की इच्छा करने चाहते हो, तुम परमेश्वर के वचन के हिसाब से क्या करोगे, परमेश्वर के ऊपर आधारित बनकर तुम क्या करोगे, चीज़ों को परमेश्वर की इच्छा को पूर्णता में करने की इच्छा करोगी करोगे। परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, जो परमेश्वर चाहते हैं वो परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमें क्या कराएंगे, एक एक करके बताएंगे। इसीलिए जब दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू किया, क्या होना शुरू किया, लोगों की मौत, नहीं तो लोग परमेश्वर से अलग होना शुरू किए, तो दाऊद ने क्या किया, अपने जीवन परमेश्वर के सन्निधि में क्या किया, समर्पण किया परमेश्वर से, परमेश्वर मैं कहाँ गलती किया मुझे याद दिलाओ ताकि मैं उसको क्या करूँ, सुधार सकूँ। टीचिंग परमेश्वर क्यों हमें दिए, ताकि हमारे अंदर सुधार आने के लिए, क्योंकि हम लोग सब मनुष्य हैं, मनुष्य होने के कारण हमारी सोच ऐसी है कि मैं जो सोचता हूँ वो परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा एक सोच हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि उधारी पाने के बाद हम भी सोचते सुपरमैन सोच लेते हैं, मैं उधारी पाया हूँ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे मुक्ति मिली है, मैं सुपरमैन बन गया सोच रहे हैं, इसीलिए मनमर्जी। इसीलिए हमें टीचिंग की जरूरत है, वी नीड टीचिंग। दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है, युद्ध परमेश्वर करते हैं जाना हुआ व्यक्ति है, मगर अपने आप हम सुपरमैन है सोच लें, जब हम सुपरमैन है सोच लेते तब परमेश्वर बोलते हैं तू सुपरमैन है कि नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा है या अपना मनमर्जी है, एक बार क्या टीचिंग देख। इसलिए यूहन्ना 7:17 में बोलता है क्या, मेरी वचनों को क्या कर, परीक्षा करना शुरू कर, तब तुझे पता लगेगा ये परमेश्वर की व्यवस्था है या नहीं, परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। हालेलुया। अब याकूब के किताब 1:21 से लेकर 25 तक, याकूब के किताब 1:21 से लेकर 25 एक का 21-25 याकूब, इसलिए सारी मलिक और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। हेलो 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 हेलो, ये किसको बोला जा रहा है, बस किसको बोला, बोला बोला गया है, विश्वासियों को बोला गया, अपनी मलिनताओं को हटाकर। तो मलिनता आ सकती है जब हम अपने मनमर्जी करना शुरू करेंगे, हम मैं सुपरमैन हूँ, परमेश्वर मेरे को शक्ति सामर्थ्य दिए, मेरे ऊपर अभिषेक है, मैं सुपरमैन हूँ, जब हम सोचना शुरू करेंगे ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या होना शुरू, मलिनता आना शुरू। तो परमेश्वर यहाँ क्या बताए, उसका 21वां वचन क्या बोल रहा है, तुम्हारे गेट रिड ऑफ, हाँ ये सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, क्या करके, दूर 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 करके, दूर करके मतलब क्या है, वो जो है मलिनता किसके अंदर घुस गया है, सुपरमैन के अंदर घुस गया है, उधारी पाया हुआ व्यक्ति के अंदर घुस गया है, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, दर्शन प्राप्त व्यक्ति के अंदर घुस गया है, नहीं तो नजरिया व्यवस्था के हिसाब चलने वाले व्यक्ति के अंदर घुस गया है। तो परमेश्वर वचन से क्या बोल रहे हैं, उस चीज को अंदर से बाहर क्या करो, निचोड़ कर निकालो, मलिनता को क्या करो, गेट रिड, और क्या करो, अपने आप को आत्मा में हम्बल करो, हम्बल योर सेल्फ एंड रिसीव द वर्ड, अपने आप को परमेश्वर के सन्निधि में नीचा करके, आत्मा में मैं परमेश्वर तेरी आत्मा में मैं क्या हो गया, मैं कलंकित हो गया हूँ, मुझे सहायता दे बोलकर परमेश्वर के सन्निधि में अगर घुटनों में आते हैं तो हम वी रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। कब कब कब, जब हम अपने आप को नीचा करते हैं। इसलिए बाइबल में कहा गया है, एक औरत यीशु मसीह के पास आकर क्या किया जानते हो ना, अपने एक साल का अमानत पूरा क्या किया, एक एक बोतल में ले आकर यीशु मसीह के पांव के नीचे आकर तोड़ कर क्या किया, यीशु मसीह के पांव के ऊपर डालकर यीशु मसीह को क्या किया, तेल से अभिषेक किया। क्यों किया, क्यों किया,
क्या इसलिए कि अपने जीवन की जो मलिनता थी उसको मालूम पड़ गया। मलिनता मालूम पड़ने से मालूम पड़ने पर उसके जीवन में जो चीज श्रेष्ठ है उस चीज को यीशु मसीह के पांव के नीचे लेके रख दी। हेलो, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर अनक्लीननेस यू विल हम्बल डाउन बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने तू क्या करेगा, अपने घुटनों में आएगा। इसलिए यह औरत घुटनों में आकर एक साल की कमाई, करोड़ों का कमाई क्या की, तोड़ी। हेलो, बहुत सालों से इस चीज को क्या किया है, संचय करके रखा गया ताकि बहुत बड़ी दाम में मैं बेच सकूं। ये थी उसकी चिंता। पाप की कमाई जितना भी हो यीशु मसीह के सामने आने से तोड़ना पड़ेगा। इट शुड बी ब्रोकन बिफोर जीसस। जितना बड़ा पाप की क्या बोलते हैं, अत्तर, परफ्यूम, डियो स्प्रे, जो कुछ भी हो, करोड़ों का अमानत हो, यीशु मसीह को जान गया, यीशु मसीह की वचन की श्रेष्ठता पहचान लिया, नहीं तो परमेश्वर के ऊपर आधारित होने वाला व्यक्ति अगर है तो जितना बड़ा चीज होने से भी यीशु मसीह के सामने आकर तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ता उधर ही नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर यहां पर क्या करते हैं, अंदर की मलिनता, तू सुपरमैन बन गया कैसे, यीशु मसीह की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा तू अपने अंदर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने मनमर्जी करना शुरू किया, अपने आप को तूने क्या कर दिया, कलंकित कर दिया, तू परमेश्वर से ज्यादा बन गया। आजकल सबका सोच विचार क्या है, मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। अरे, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर चमत्कार करेगा, मेरा प्रार्थना क्या चमत्कार कर रहा है? नो, वो परमेश्वर की कृपा है, मगर हमारा सोच विचार क्या है, मैं प्रार्थना करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारा सोच विचार, ये हमारा इच्छा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर क्या मलिनता ला सकती है, तो इस मलिनता को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के सन्निधि में आकर तोड़ना चाहिए। ब्रेक योर सेल्फ। क्यों हम प्रभुभोज खाते वक्त रोटी क्यों तोड़ते हैं? तोड़ने का मकसद क्या है? जैसे यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए टूट गया, तुड़वाया गया, टुकड़ा हो गया, तो उस टुकड़े के द्वारा हमें क्या मिली, मुक्ति मिली। उस टुकड़े के द्वारा हमें क्या मिली, शांति मिली। उस टुकड़े के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ जुड़ित होने की श्रेष्ठता मिली। अगर परमेश्वर की शरीर ऐसे टुकड़ा हो सकता है तो हम अपने पाप की इस मलिनता को परमेश्वर के सामने आकर क्यों नहीं तोड़ सकते? इसलिए मैं दाऊद से मैं बहुत पसंद करता, दाऊद को मैं बहुत पसंद करता, अपने अपने जीवन में व्यभिचार किया हुआ चीज को भी गाना लिखा। दाऊद अपने जीवन में व्यभिचार किया उसको ही होने उसी ने गाना लिखा। वाह, क्या मस्त है, क्या आइडिया है उसका। मैंने उसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यभिचार को प्रोत्साहन करते हुए नहीं, मैं व्यभिचार में पड़ गया तुम ना पढ़ो, इसीलिए उसने क्या किया उसी को भी ऐड कर दिया। ऐसे ऐसे विश्वासियों का जरूरत है कलीसिया को, जो परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को तोड़ सके, नहीं तो अपनी मलिनता को परमेश्वर के सन्निधि तोड़ कर उसको परमेश्वर के पांव के नीचे छोड़ जा सके, ऐसी विश्वासियां जरूरत है। इसीलिए जब ये औरत ने क्या किया, अपनी श्रेष्ठ वाली चीज लेकर यीशु मसीह के पांव के तले आकर तोड़ी, तोड़ने पर क्या हुआ, उसके अंदर से महक, उस रूम पूरा भर गया। महक भरा तो भरा, उतना ही नहीं क्या हुआ, वो परमेश्वर यीशु मसीह को सेवकाई करना शुरू की, अपने आप को नत करके, अपने आप को छोटा मान के, अपने आप को परमेश्वर के सन्निधि में योग्य नहीं है बोलकर मानने पर क्या हुआ, जानते ना किसके घर में ये हो रहा था, सीमोन के घर में हो रहा था। सीमोन उसको यीशु मसीह को इनवाइट किए हुए गेस्ट थे, सीमोन बुलाकर यीशु मसीह के घर में आया, मगर ये औरत बुला के नहीं है, मनमर्जी आया। इसीलिए क्या हुआ जानते हो ना, जो चीज सीमोन को मिलना चाहिए था वो सीमोन को ना मिलके किसको मिला, इस औरत को मिला। क्यों? अपने आप को तोड़ने वाली अनुभव। हालेलुया। हेलो, मैं अभिषेक पाया हूं, मैं श्रेष्ठ दास हूँ, मेरा सब कुछ श्रेष्ठ है, मेरे को परमेश्वर के सामने आकर तोड़ने की जरूरत है, ऐसे सोच विचार हमारा नहीं होना चाहिए। जो कोई भी हो परमेश्वर के सन्निधि में आकर तोड़ना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहता है हर घुटने परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए, नत होना चाहिए। क्यों? नत होने का अर्थ क्या है, मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ, तोड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे तोड़िए और वापस जोड़िए, यही है।
परमेश्वर का सेवक है, मुझे तोड़ी है वापस जोड़िए। तोड़ते क्यों है? ताकि अंदर की मलिनता को क्या करने के लिए, निकालने के लिए। ऐसे ही होता है ना, अगर कहीं भी कुछ घाव हो जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, उस घाव के ऊपर क्या करते हैं, मलहम लगा के बंद करके रख देते हैं। दो तीन दिन के बाद क्या होता है, अंदर की जो गंदगी है, दो तीन दिन के बाद वापस जब आते हैं, उस गंदगी को क्या करता है डॉक्टर, बाहर निकालता है। क्यों? जब डॉक्टर के पास जाते हो, मलहम लगा देते तो बहुत दर्द लगता है। तुम तो डॉक्टर, डॉक्टर अंदर जो चीज़ है उसको अच्छा करो ना, तो डॉक्टर बोलता नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, दो दिन के बाद आना, तब अंदर की चीज़ बाहर निकलेगी। यही होना चाहिए हमारे, यीशु मसीह एक अच्छे डॉक्टर हैं। उस डॉक्टर के सामने अगर जाएंगे, अंदर की मलिनता को परमेश्वर तोड़ कर निकालेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें मनमर्जी तोड़ने वाला नहीं, हम मर्जी जब तक नहीं देंगे तब तक परमेश्वर हमें नहीं तोड़ेंगे। जब तक रोटी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा तब तक तुम रोटी को तोड़ नहीं सकते। अब रोटी सोचेगा मैं रोटी हूँ, मैं तेरे हाथ में नहीं आऊँगा, मैं भाग रहा हूँ भाई, मैं चला भाई बोल के रोटी सोचा ना, तो कभी भी वो रोटी तोड़ने के लिए नहीं होगा। इसीलिए रोटी तोड़ते काय के लिए, यीशु मसीह का शरीर जैसा हमारे लिए टुकड़ा हुआ, हमारा शरीर भी पाप के विषय में टुकड़ा होना है, मलिनता का विषय में टुकड़ा होकर मलिनता बाहर निकलना चाहिए। और आत्मा की शक्ति, वचन की गहराई, हम उस मलिनता को क्या करना चाहिए, भरपूरी करके रखना चाहिए। वही याकूब बोल रहा है, परमेश्वर हमें मलिनता से क्या करना चाहिए, हटवाइए और रिसीव, परमेश्वर की वचन को रिसीव करने की, रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड विद ए हम्बल स्पिरिट, अपने आप को नत होकर रिसीव। हाँ, उसके बाद बताया गया क्या है, कहते हैं मैं, विच इज इंप्लांटेड इन योर हार्ट। परमेश्वर के वचन जब मैं रिसीव किया, नहीं तो मैं जब पा लिया, वो वचन मेरे अंदर क्या करता है, रूट बनाता है। एक बार 21वां वचन, ये सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हेलो, वो क्या कर सकता है, तुम्हारे प्राण को उद्धार। तो उसका मतलब क्या है, प्राण, जो मनुष्य पाप किया वो जरूर क्या करेगा, मरेगा। मौत आज नहीं तो कल सबके जीवन में आएगा, वो विश्वासी हो, अविश्वासी हो, दुष्ट हो, जो कोई भी हो, सब मरेंगे। क्योंकि क्योंकि पाप का फल है मरना। मौत जो चीज है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक आशीष है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये मौत क्यों परमेश्वर हमको दे रहे, दिया गया क्योंकि ताकि, क्योंकि हमारे पूर्वज ने पाप किया, वो पाप का फायदा हमारे अंदर भी आएगा, तो मौत सबके अंदर आ सकती है। मौत का मतलब क्या है, शरीर प्राण से अलग होना, सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड सोल, शरीर प्राण से अलग होना। तो यहां पे बताया क्या गया है, जब तेरी मलिनता बाहर निकलेगी, नहीं तो तेरी मलिनता को तू बाहर निकलेगा, परमेश्वर की वचन को अंदर आने के लिए देगा, तब तेरे प्राण को क्या मिलेगी, उद्धारी मिलेगी, सैल्वेशन टू योर सोल। जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, तुम्हारा शरीर में उद्धारी पाए और यीशु मसीह में बढ़ोतरी पाते 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 पाते, नहीं तो आत्मिक जीवन में बढ़ते 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 क्या होता है, हमारे प्राण को क्या करते हो, उद्धारी और अधिक दे रहे हैं। क्यों? ये प्राण क्या बोलेगा जानते हो ना, तू मरेगा रे, तू पाप किया है मरेगा, व्यवस्था निकल के बोलेगा, जो प्राणी पाप किया है वो मरेगा, जो पाप प्राणी के, जो प्राणी पाप किया है वो मरेगा, वो बोलते ही रहेगा वचन। तब उस समय में हमको उद्धारी प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की वचन ही हमें सहायता देगी। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनके जीवन में एक श्रेष्ठ दान है, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय अगर मर भी गए तो क्या करा, प्राण शरीर के साथ मिलकर वापस पुनर्जीवित होने की अनुभव जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया, अगर वचन के हिसाब से मोड़ कर वापस आ सकते हैं तो पुनर्वार परमेश्वर हमारे जीवन में पुनर्जीवित करवा सकते हैं, पुनर्जीवन दे सकते हैं, पुनर्जन्म। हेलो, बहुत सारे लोगों का सोच विचार है, एक बार मर गए तो पेड़ बनकर, नहीं तो कीचड़ बनकर, नहीं तो कौवा बनकर, नहीं तो गाय बनकर, बैल बन करेंगे। अरे ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, तू मर गया, तू विश्वासी है, तू ही बनकर आना पड़ेगा। हालेलुया, तू मर गया, तू सचिन है, तू सचिन बन के ही आना पड़ेगा। तू मर, तू है, तू राकेश है, राकेश बन के मर गया, राकेश बनकर ही आना पड़ेगा। कुत्ता बन के आने से फायदा नहीं है, अन्याय नहीं क्या, राकेश बनकर जन्म लिया, कुत्ता बन के आएगा,
क्या दिमाग खराब चीज है, जो राकेश बन के आया है तो राकेश बन के ही वापस आना पड़ेगा। इसलिए दुष्टों के लिए भी परमेश्वर क्या रखे हैं, एक समय रखे हैं, तब राकेश राकेश बन के आएगा, सचिन सचिन बन के आएगा, इंजमम बन के आएगा, राहुल राहुल बन के आएगा। आना जरूरी है, मगर एक चीज है, उधारी पाया हुआ व्यक्ति है तो क्या है, प्राण और शरीर का एक क्या है, उधारी है। देयर इज सैल्वेशन फॉर योर सोल एंड योर बॉडी। हालेलुया। इसलिए वहां बताया गया है क्या हो सकता है, वचन को रिसीव करने के द्वारा तेरे प्राण को उधारी मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, तुझे मौत छू नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय में एक गाना गाया जाएगा। कौन सा गाना जानते हो ना, हे मरण तेरा कांटा कहाँ है, तू तो मुझे छू नहीं सका। क्या मरण मौत, क्या तेरा काम खत्म हो गया, क्या तू अरेस्ट हो गया, क्या तेरा जिंदगी क्या हो गया, तू मुझे छुएगा? अरे मैं उधारी पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं उधारी से मैं आनंद पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं पाप की मलिनता से मैं क्या पर आधा अलग हुआ व्यक्ति हूँ, पाप तू मुझे छू नहीं सकता, तेरे और मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। वही तो यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के कारण क्या, 3 दिन तक उसको क्या किया, मृत्यु बंद करके रखा। क्यों जानते हो ना, मृत्यु बंद करने की रखने के कारण क्या जानते हैं ना, बहुत सारे भक्त पुरातन नियम के भक्त लोग हैं, वो लोग अभी भी क्या, वो लोग तब तक क्या कर रहे थे, मुक्ति के लिए रो रहे थे, नहीं तो वो लोग कभी सुसमाचार के पूर्णता वो लोग सुने नहीं थे। थोड़ा थोड़ा सुसमाचार सुने थे, मगर यीशु मसीह की पूर्ण सुसमाचार सुने नहीं थे। इसीलिए यीशु मसीह की मौत के कारण, मौत के दौरान यीशु मसीह कहां गए, पाताल को जाकर क्या किए, जो भक्त लोगों थे, भक्त लोगों के निकट जाकर, जो पुरातन नियम के भक्त उनके निकट जाकर सुसमाचार बोलकर पूरी तरीके फुल डिक्लेरेशन देकर उनको क्या किया, एक साथ मिलकर यीशु मसीह भी पहला बनकर, झुंड में पहला व्यक्ति बनकर पुनरुत्थान पाकर जी उठा और बोला, मृत्यु तू मुझे छू नहीं सकता। अगर यीशु मसीह को मृत्यु छू नहीं सकता, तुझे भी मृत्यु नहीं छू सकता है। कब, जब तू तेरे जीवन में यीशु मसीह के वचनों के हिसाब से चलने के द्वारा उधर दे परमेश्वर की, नहीं तो द्वितीय आगमन के समय यीशु मसीह की आवाज सुनते ही तुझे रूपांतरित होना जरूरी है। हेलो, ये है हमारा युद्ध। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह को मौत ने क्या नहीं कर सका, रोक नहीं सका। अगर यीशु मसीह को मौत रोक नहीं सका, द्वितीय आगमन में पुनरुत्थान के समय में तुम्हें और मुझे भी, उधारी पाया हुआ लोगों को, अभिषेक पाया हुआ लोगों को, प्रार्थना से जीवन यापन चलने वाले लोगों, परमेश्वर के वचन के आधारित वाले लोगों को भी मौत छू नहीं सकेगा। शरीर प्राण मिलकर वापस आना जरूरी है। अगर कोई मर गया, विश्वासी मर गया, तो उनके लिए हमें रोने की जरूरत है ही नहीं। यीशु मसीह में विश्वास करके एक आदमी अगर मर गया तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं। क्यों, एक चीज हमें पक्का है, परमेश्वर के वचन से जीवन यापन किया, मरा, एक दिन परमेश्वर आवाज लगाएंगे, ये जी उठकर वापस आना है, इसे मौत भी क्या नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें भरोसा रहना चाहिए कि वो गया तो गया, नो प्रॉब्लम, मैं भी वहां जाऊंगा, मिलूंगा। इसलिए गाना गाते हैं ना, देखो देखो आ रहा है मेरा यीशु बादलों में, काय के लिए, तुझे मुझे लेने के लिए, पुनरुत्थान की शक्ति प्राप्त होकर, इस धरती से टुकड़ा होकर, इस धरती से अलग होकर, एक नई जगह, नई पहचान, नई आराधना, नई शक्ति, नई सामर्थ्य, नई जीवन, नया घर, नया पप्पा, नया जीवन, नया भक्त, नया कलीसिया, सब कुछ नया, नया 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 वस्त्र, नया जीवन, नया अभिषेक, नया पन के साथ एक दुनिया में प्रवेश होने जा, वो स्वर्गीय सौभाग्यता है। वहां जा पहुंचना है तो हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर विश्वास योग्य बनना है। इसीलिए यरमिया कहता है, परमेश्वर मैं तुझे क्या करूंगा, तेरी वचनों को खा लेऊंगा, मैं तेरे ऊपर आधारित बनूं, मेरी मेरी जीभ पर तेरी नाम रहेगी, मेरे हृदय में तेरी वचनों की गहराई रहेगी, मेरे विरुद्ध में तू से युद्ध कर परमेश्वर। इसीलिए भजन संहिता में कहा गया है, परमेश्वर मेरी आंखों की रोशनी बढ़ा दे, मेरी आंखों से व्यवस्था को देखने की अनुभव मेरे को दे, परमेश्वर मैं तेरी इच्छाओं को जानने की सहायक मेरे को दे। याकूब के पत्र में क्या बताया गया कि परमेश्वर मेरी मलिनता को मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं, वही है हमारा आत्मिक जीवन।
परमेश्वर कलीसिया हमको क्यों दिए, परमेश्वर प्रार्थना हमको क्यों सिखाए, परमेश्वर अभिषेक हमको क्यों दिए, परमेश्वर हमको गाना क्यों दिए, परमेश्वर हमको संगति क्यों दिए, ताकि मलिनता को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए आज सुबह के समय जो कुछ भी मलिनता हमारे अंदर सुपरमैन बन के खड़ा है, उस मलिनता को सुपरमैन के हिसाब से तोड़कर मरोड़कर उसके अंदर से पावरफुल मैन निकलना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा मुक्ति पाया हुआ पावरफुल मैन। हेलो, हालेलुया। मैं अपने बातों को मैं बंद करना चाहता हूँ। उसकी 21वां वचन में बताया गया है, उसके 22वां वचन में बताया गया, एक बार पढ़ के देखते हैं। 22वां वचन 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह परमेश्वर के वचन क्या है? दर्पण, मिरर, मिरर, मिरर। हम चल रहे हैं कि नहीं? मेरी बातों को मैं बंद करना चाहता हूं। मिरर में क्या होती है, किसकी इमेज दिखती है? अपनी इमेज दिखती है। मैं किस कपड़ा पहना हूं, मिरर भी वही कपड़ा पहना रहेगा। मैं कौन सा पेंट मुंह में लगाया हूं, वही पेंट मिरर में भी दिखाई देगा। मैं जो हूं वही मिरर दिखाएगा। तो परमेश्वर के वचन हमारे सामने कैसे है? मिरर, दर्पण है। दर्पण यीशु मसीह को नहीं दिखाएगा। आजकल सबके मिरर में यीशु मसीह का फोटो लगा है। सोच रहे क्या, अरे यीशु मसीह दिख रहे हैं, मिरर दिख रहा नहीं है, मेरे को जरूरी नहीं है यीशु मसीह का फोटो फ्रेम। अरे पागल है, जब लोग पागल बन गए। अरे दर्पण तुम्हारा दिखाई देना है, चेहरा किसी और का फोटो नहीं, अपना चेहरा दिखाई दिया तो पता चलेगा। आइसक्रीम खाकर आइसक्रीम नाक में है रुका या कान में रुका, कहां रुका दिखाई देगा। मलिनता कहां है दिखाई देगा। इसलिए क्या कहा गया है, मलिनता हटाना है दर्पण खोलो। ओ वो दर्पण क्या है? परमेश्वर की वचन है। इसलिए परमेश्वर के वचन हम प्रतिदिन क्यों पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन प्रतिदिन क्यों सुन रहे? ताकि मैं अपने आप को देख सकूं, मैं अपने आप की जिंदगी देख सकूं, मेरी अपने आप के अभिषेक को मैं देख सकूं, अपने आप की आत्मिक वरदानों को मैं देख सकूं, अपनी अंदर की क्या पवित्र आत्मा की फलों को देख सकूं, अपने आप में मैं क्या कर सकूं, अपना चरित्र को देख सकूं, अपने आप में मैं क्या कर सकता हूं, अपनी जीवन के अनुभवों को देख सकूं, अपने आप को मैं देख सकूं। जब अपने आप को हम देखते हैं ही नहीं, फिर क्या आराधना। हेलो, जब अपने आप को देखते हो तब हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बोलना भी बंद हो जाएगा। तब बोलना क्या शुरू करेंगे, परमेश्वर तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तू मुझे एक और बार याद कर, तू मुझे हाथ छोड़ मत दे, तू मेरे जीवन से मुझे अलग होने ना दे, मुझे दलदल में फंसने ना दे, मुझे मुक्ति दे। वही याकूब कहता वाला अनुभव, परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे क्या कर, मेरे प्राण को उद्धार ही मिला, इसलिए मैं अपने आप को मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। रिवैल्यूटिंग योर बॉडी सोल एंड माइंड, तेरी शरीर प्राण आत्मा को एक बार परमेश्वर के वचन से चेक करके देखो। चेक कौन? चेकबुक 6 महीने में एक बार चेक करके देखना जरूरी है, चेकबुक साल में एक बार चेक करके देखना जरूरी है, बैंक अकाउंट साल में एक बार चेक करना जरूरी है, राशन कार्ड साल में 5 साल में एक बार चेक करना जरूरी है, आईडी वोटर आईडी कार्ड 4 साल में एक बार चेक करना जरूरी है, सब कार्ड को चेक करना जरूरत पड़ रहा है। वैसा है तो हमें मिला हुआ सब चीज़ों को भी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के हिसाब से स्कैन आउट करके देखना चाहिए, तो ही मलिनता निकलने वाली चीज़ें निकल सकती है। जब तक हम स्कैनिंग नहीं करते हैं तब तक गहराई में छिपा हुआ कैंसर की जो पीढ़ियां है दिखाई नहीं देगी। परमेश्वर के सामने कैंसर क्या है? रोग नहीं। परमेश्वर के सामने कैंसर वो है, मलिनता वाली चीजें। इसीलिए आज सुबह के समय या यरमिया के समय हम भी बोलेंगे, लोग मुझे कलंकित करने के लिए कोशिश करते वक्त मैं तेरी वचनों के ऊपर आधारित रहूंगा, तेरे ऊपर मैं देख कर, तेरे ऊपर मैं भरोसा रखकर अपने जीवन को मैं क्या करूंगा, क्लियर आउट करूंगा, वॉश आउट करूंगा, धो के प्रस्तुत करके रखूंगा। हालेलुया। इसीलिए याकूब क्या बोल रहा है, परमेश्वर मुझे क्या कर। उस दर्पण के सामने परमेश्वर के वचन क्या है, मिरर, दर्पण। हेलो, इसीलिए हमारे जो कभी आप लोग जिम में जाने से क्या देख रहे, जिम पूरा दर्पण से भरा हुआ है। क्यों? जिम में
वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो दर्पण उसको क्या करेगा, दिखाई देगा। ऐसा है तो कलीसिया कैसा वाला दर्पण होना चाहिए, सोच के देखो। चारों ओर दर्पण, क्या क्लियर क्रिस्टल, क्लियर क्लियर तरीके से दिखाई देगा। तब हमारे अंदर ये सुपरमैन पावर कुछ दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। तब सुपरमैन नहीं, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, दाऊद के पुत्र, मेरे ऊपर करुणा दिखा, मेरे ऊपर दया दिखा, मुझे हाथ मत छोड़, मेरे आंखों की रोशनी वापस दे, मेरे जीवन को पवित्र बना दे। लोग मुझे पत्थर मारने के लिए तैयार है, तू मुझे पत्थर मत मार। व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा गया वह अनुभव में, सब लोग घर घर से पत्थर लेके आए, मगर यीशु मसीह पत्थर नहीं लिए। यीशु मसीह ने क्या किया, जिस जगह में वो खड़े थे उसी जगह पर बैठकर उसने लिखने शुरू किया, लिखना शुरू किया। क्यों? मनुष्य मिट्टी है, क्या लिखना शुरू किया? जो जो पत्थर मारने के लिए आए, परमेश्वर लिख रहे, अरे तू मिट्टी है, तू भी इस मिट्टी में मिलेगा, पत्थर क्या लेके आया, घर वापस जा। तू क्या पत्थर मारने के लिए आया है? मर गया, आज तेरा जो सांस है, जो जो हवा तू ले रहा है, आज बंद हो गया ना, तू भी इस मिट्टी में रुकेगा। इसलिए पत्थर यहाँ छोड़, घर भाग। मुक्ति पाना है तो मुक्ति पा ले, जीवन की पवित्रता को लाना है तो पवित्रता को लाए, ला ले। यीशु मसीह मिट्टी में बैठकर लिखना शुरू की है, सब छोड़कर चले गए, मगर वो औरत और यीशु मसीह एक ही व्यक्ति, ये दोनों ही वहाँ पे रुक गए। वो औरत को दिखाई दिया, यीशु मसीह मिट्टी पर लिख रहे हैं। लिखने के बाद यीशु मसीह उस औरत से पूछा, सब छोड़ कर चले गए क्या? तब यीशु मसीह उस औरत ने कहा, हाँ प्रभु, सब छोड़ के चले गए, हम दोनों ही रुके हैं। वही है आत्मिक जीवन के अनुभव। हमारे जीवन में पाप की मलिनता, सब हमें पत्थर मारने के लिए आते वक्त, सबके पत्थर हमारे ऊपर ना गिरने के वजह यीशु मसीह ने क्या किए, मिट्टी में आज भी लिख रहे हैं ताकि हमारे ऊपर पत्थर ना गिरे। व्यवस्था तुम्हें पत्थर गिरा के मार सकती है, लोग तुझे पत्थर गिरा के मार सकते हैं, शैतान तुझे पत्थर गिरा के मार सकता है, मगर परमेश्वर तुझे मारेगा नहीं। तू मिट्टी में गाड़ कर रुक, दफनाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते क्या जाते ना, जैसे तू मरने से पहले अपने जीवन को मुक्ति के रास्ते में ले। इसलिए यीशु मसीह उस औरत आखिरी में एक ही बात बोला, तू इतना दिन तूने पाप किया और कदापि तू पाप ना कर। अगर पाप किया तो नित्य तू इस मिट्टी में मिल जाएगी, अगर पाप नहीं करके जीवन यापन किया, मर भी गई, तीसरा दिन जीवित होगी, नहीं तो परमेश्वर के आगमन में तू जी उठेगी। इसलिए परमेश्वर उसको एक ही वाणी बताए, हे बेटी, लोग तुझे मारने के लिए तैयार बन के आए, वो लोगों की मौत तेरे को मिट्टी के अंदर ही गाड़ सकती है, मगर जो मैं जीवन देना चाहता हूं वो तुझे पाप में गाड़ सकता है, पाप से तुझे अलग कर सकता है, मुक्ति के रास्ते में चलवा सकता है। तू मर भी जाए, तेरे को उद्धारी पाने की एक अनुभव परमेश्वर तेरे प्राण शरीर आत्मा में दे सकते हैं। इसलिए मैं अपने बातों को मैं बंद करना चाहता, हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं है, शैतानिक शक्तियों के ऊपर है, हमारे खुद के शरीर के प्रलोभन के ऊपर है। हमारा युद्ध को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। यिर्मयाह जैसा बोला, परमेश्वर मैं तेरे वचन को खा कर, मैं तेरे नामों को ऊंचा करके, तेरे वचनों को हृदय के अंदर संचय करके, परमेश्वर मेरे युद्ध में तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आज सुबह के समय में परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से हमने देखा, परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर एक एटीट्यूड लाओ परमेश्वर, तेरे ऊपर विश्वास करने के लिए, तेरे तुझे ओबे करने के लिए, तेरे वचनों के हिसाब से जीवन को सटीक करके जोड़ित करने के लिए हमें सहायता दीजिए परमेश्वर। ऐसा एक श्रेष्ठ दान परमेश्वर हमारे जीवन, हमारा युद्ध हम नहीं जीतने की कोशिश करेंगे परमेश्वर, तेरे हाथ में समर्पण करके, तेरे वचनों के ऊपर आधारित बनके, तेरे वचनों को खाकर, तेरे वचनों को हृदय में संचय करके परमेश्वर जीवन को चलवाने की सहायता दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर हमारे आंखों की नजरिया को परमेश्वर की व्यवस्था के हिसाब से बड़ा कीजिए परमेश्वर, और अधिक 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 चीजों को देखने के लिए हमें सहायता दीजिए परमेश्वर, तेरे वचनों को प्रतिदिन हम लोग सीखने के लिए हमें सहायता, तेरी इच्छाओं को जानने के लिए परमेश्वर, मेरी मर्जियों को हटाकर तेरी मर्जी, तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें सहायता दीजिए, जैसे याकूब के पत्र के में लिखा गया परमेश्वर, हमारी मलिनताओं को हटाकर परमेश्वर के वचन को रिसीव करके हमारे प्राण को उद्धारी करके परमेश्वर, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को करेक्शन में लाने के लिए सहायता दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से हमें सहायता दिए, इसलिए धन्यवाद। जो वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में
चमत्कारी कार्य कीजिए। परमेश्वर के वचन में ओबीडियंस पाकर एटीट्यूड बदलने की अनुभव होनी चाहिए परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में परमेश्वर हम जो वचन हमने सुना वो सब हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देने के लिए सहायता दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूँ। अभिषेक के साथ परमेश्वर तेरे द्वितीय आगमन में परमेश्वर अगर हम जीवित हैं तो जीवित ही जी उठकर जाने की सहायता दीजिए, अगर हम मर भी जाते हैं तो मृत्यु हमें ना छूने की तारीफ कैसे है। परमेश्वर हमें पुनर्जीवित करके लेने के लिए हम लोग तैयार रहने के लिए सहायता दीजिए। पुनरुत्थान की शक्ति हमारे अंदर पूरी तरीके से भरपूर करने के लिए हमें सहायता दीजिए। परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर, टुकड़ा करने के लिए तैयार है परमेश्वर। टुकड़ा करने पर उसके अंदर की मलिनता पूरी तरीके से निकाल कर परमेश्वर के वचन की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ोतरी पाकर अभिषेक से पूर्णवान होकर चलने के लिए सहायता दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूँ। द्वितीय आगमन के समय में परमेश्वर पुनर्जीवित होकर पुनरुत्थान प्राप्त होकर परमेश्वर मौत से विजयवंत होने के लिए जाने के लिए सहायता दीजिए। ऐसी एक युद्ध जीतने के लिए परमेश्वर आप हमारे सहायक मन बनिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।